सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी और कान के नीचे भी चोट लगी थी। उस प्रकार से हत्या के एंगल से जांच की जाती है और जो हत्यारा था संजय तिवारी, वो आम लोगों की तरह काम करने में मशरूफ हो चुका था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। मुंह खोल लो। कोयले को लेकर संजय तिवारी और मृतक बाल राजू के बीच अनबन थी। संजय तिवारी खराब क्वालिटी के कोयले को, क्योंकि कोयले की लोडिंग अनलोडिंग करना संजय तिवारी की जिम्मेदारी थी, तो खराब क्वालिटी की कोयले को अनलोडिंग करने के लिए लेकर आया था अडानी सीमेंट जामुल। यहाँ से रिलेटेड हमने आपको खबरें दिखाई थी जिसमें 3 तारीख को एक हत्या होती है, सुबह 9 से 10 के बीच HOD की हत्या हो जाती है, सर पर वार किया जाता है। अब वार करने वाला शख्स उस दिन के मुताबिक संजय तिवारी, जो परिवार वालों ने ये चीज़ें बताई, पुलिस ने जो जांच किया उसके मुताबिक संजय तिवारी का नाम बड़े ज़ोरों शोरों से निकलकर सामने आ रहा था, और वही हुआ भी। आज पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसमें साफ तौर पर पूरी कहानी बताई है कि किस प्रकार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल सुबह 9 बजे जब मृतक बाल राजू पहुँचते हैं ऑफिस और वहाँ पर ब्रीफिंग देते हैं, क्योंकि वो 2 प्लांट के हेड थे, HOD थे, एक जगह पर ब्रीफिंग देने के बाद वो दूसरी जगह पहुँचते हैं और रोज़ाना उनका यही काम रहता है। वो पहले CHP पहुँचते हैं, वहाँ पर ब्रीफिंग देते हैं और ब्रीफिंग के दौरान संजय तिवारी को डांट फटकार लगाते हैं और कोयल की आपूर्ति को लेकर भी उसे कई बातें सुनाई जाती हैं। और इससे पहले भी फैक्ट्री में जब कोल की आपूर्ति की वजह से ब्रेकडाउन हुआ था, उसके जिम्मेदार भी संजय तिवारी को ठहराया जाता है और इस बात से संजय तिवारी काफ़ी नाराज़ होते हैं। इसके बाद जब CHP से ब्रीफिंग देने के बाद बाल राजू निकल कर बाहर आते हैं, जहां कोल अनलोडिंग हो रहा होता है वहां पहुंचते हैं, वहां पर भी संजय तिवारी को इशारे करके बुलाते हैं अपने पास और फिर से डांट फटकार लगाते हैं उनके काम को लेकर। ये सारी चीज़ों से संजय तिवारी परेशान हो जाता है और ऐसा पहली बार नहीं, लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा था। ये सारी बातें संजय तिवारी ने अपने बयान में बताई है। दरअसल जब हत्या की बात सामने आई, जब पता चला कि अडानी सीमेंट में एक जो HOD है वो मूर्छित हालत में पड़ा हुआ है और मेडिकल यूनिट ने उसे अस्पताल में रिफ़र किया है और वहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है, उसके बाद जामुल पुलिस वहाँ पहुँचती है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुँचती है, एंटी क्राइम की टीम पहुँचती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। जिस प्रकार से सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी और कान के नीचे भी चोट लगी थी, उस प्रकार से हत्या के एंगल से जांच की जाती है और जो हत्यारा था संजय तिवारी, वो आम लोगों की तरह काम करने में मशरूफ हो चुका था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, और लंच के बहाने घर जाता है, घर जाके अपने कपड़े चेंज करके वापस आ जाता है। मगर पुलिस के पूछताछ करने पर वहीं फैक्ट्री का एक शख्स है, पुलिस को बयान देता है कि संजय तिवारी ने अपने कपड़ों पे लगे दाग धब्बों को मिटाने के लिए मुझसे कहा था। अब संजय तिवारी पे शक जाता है, पुलिस की टीम संजय तिवारी के साथ उसके घर पहुंचती है और वहां पर खून से लथपथ कपड़े मिलते हैं, जो ये बात की पुष्टि करते हैं कि इस हत्या में संजय तिवारी का हाथ है। संजय तिवारी से पूछताछ करने पर वो बात को घुमाता है और कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं बताता है, मगर थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने पर थाने ले जाकर उसे अभिरक्षा में रखकर पूछताछ जब की जाती है तो सारी चीज़ें उगलना शुरू कर देता है, फटफट सारी सच्चाई बयां करना शुरू कर देता है। और उसी ने सारी चीज़ें बताई कि इस प्रकार से ब्रीफिंग के दौरान डांट फटकार लगी, उसके बाद कोल अनलोडिंग के दौरान डांट फटकार लगी, अब कोल अनलोडिंग के बाद क्या कुछ हुआ। वहाँ से संजय तिवारी अपने प्लांट की ओर, पावर प्लांट की ओर चल जाते हैं जहाँ के वो HOD होते हैं, और उसी के साथ साथ संजय तिवारी भी उनका पीछा करने लगता है। और जब सुनसान रास्ता मिलता है, फुटपाथ का रास्ता जहाँ से वो अपने पावर प्लांट की ओर जा रहे होते हैं, तभी मौका देखकर हथौड़े से सिर पर तेज वार करता है, जिससे मृतक बाल राजू ज़मीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद लगातार हथौड़े से ताबड़तोड़ हमला करता है और हमला करने के बाद खून से लथपथ हथौड़े को कोयले के बीच में छुपा देता है और फिर अपने यूनिट में जाकर काम करना शुरू कर देता है। और लंच ब्रेक के नाम पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, घर जाकर कपड़ा चेंज करके वापस आ जाता है और सभी लोगों से आम तरह मिलता है। जब जांच हो रही होती है, वार्ड के पार्षद भी वहां पहुंचते हैं, मोहल्ले के लोग पहुंचते हैं, उनसे भी आम तरह से मुलाकात करता है, हाथ मिलाता है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसके चेहरे पर
1% भी सिकन नहीं दिखता है कि उसने कोई गलती की हो। उसके बाद जब खोजबीन चलती है, सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है, तो संजय तिवारी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। जैसा कि हमने उस दिन की स्टोरी में भी आपको बताया था कि परिजन क्या कह रहे हैं, मृतक का भाई का क्या कहना है और साथ में वार्ड पार्षद उनका क्या कहना है। एक बात और निकल कर सामने आई थी उस दिन, जिस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, कोयले को लेकर संजय तिवारी और मृतक बाल राजू के बीच अनबन थी। संजय तिवारी खराब क्वालिटी के कोयले को, क्योंकि कोयले की लोडिंग अनलोडिंग करना संजय तिवारी की जिम्मेदारी थी, तो खराब क्वालिटी की कोयले को अनलोडिंग करने के लिए लेकर आया था, जिसको लेकर मृतक बाल राजू ने मना कर दिया कि क्वालिटी सही नहीं है, मैं पेपर पर साइन नहीं करूँगा, इस कोयले को मैं रिसीव नहीं करूँगा, और इस बात को लेकर भी बहस चल रही थी। अब इस कोयले की बात में कितनी सच्चाई है या इसके पीछे संजय तिवारी का क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, ये देखने वाली बात है, ये जांच का विषय है। फिलहाल संजय तिवारी ने सारी चीज़ें, सारी वारदात को एक्सेप्ट कर लिया है और कबूला है कि उसने किस तरीके से इस घटना को अकेले ही अंजाम दिया। डांट फटकार जो लगातार हर कंपनियों में चलते हैं, जब वर्कलोड बढ़ता है तो सीनियर अपने जूनियर को डांट फटकार लगाता है, समझाइश देता है, और इस डांट फटकार से इतना आहत पहुँचा संजय तिवारी को कि वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपनी बेइज्जती समझने लगा और इतना बड़ा कांड कर बैठा, अपने HOD की हत्या कर दी। और जामुल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी को हिरासत में लिया और सारी सच्चाई का पर्दाफाश किया। क्या कुछ वारदात हुई हमने आपको उस दिन भी कहानी में बताया था, और आज भी क्या कुछ अडानी SEC प्लांट में हुआ, ये हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि किस प्रकार से संजय तिवारी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद। मुंह खोल लो। रुकना उधर।